आज का टॉप डिफेंस अपडेट। भारत ने बैटल टैंक के लिए पहले इंडिजिनसली मेड इंजन का परीक्षण किया। रिसेंटली एयरफोर्स क्रैश के बाद तेज और जेप 17 की सेफ्टी रिकॉर्ड को कंपेयर किया गया। रूस बची हुई 2S-400 स्क्वाडन की डिलीवरी 2026 तक टाल दिया। भारत शिप हाइजैक के लिए 35 सोमाली पायरेट्स पर मुकदमा चलाएगा। इंडियन नेवी के एक नए ट्रेनिंग वेसल के कील बिछाने की सेरेमनी रखी गई। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की। भारत ने बुधवार को मैसूर परिसर में BML के इंजन डिवीजन में मैन बैटल टैंक के लिए अपने पहले इंडिजिनसली मेड 1500 हॉर्स पावर इंजन का परीक्षण किया। इंजन के परीक्षण की अध्यक्षता करने वाले डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमानी ने कहा कि यह उपलब्धि देश के डिफेंस कैपेबिलिटी में एक नए युग की शुरुआत करती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के तेजस LCA की क्रैश ने तेजस और उसके कंपटीटर पाकिस्तानी वायुसेना के जेप 17 थंडर के सेफ्टी रिकॉर्ड पर फोकस किया गया है। 12 मार्च को तेजस LCA के 23 साल के इतिहास में पहली ऐसी क्रैश है। वहीं इसके कंपटीटर जेप 17 थंडर क्रैश में कई रिकॉर्ड बना चुका है, क्योंकि 2011 में शामिल होने के बाद अभी तक 4 बार क्रैश हो चुकी है, जिसमें एक मौत भी हुई है। इस रिपोर्ट के बाद तो आपको भी समझ आ चुकी होगी कि जेप 17 से 100 टाइम तेजस बेस्ट है। यूक्रेन के साथ अपने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के कारण चल रही देरी के बीच रूस ने भारत से कहा कि S-400 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के बची हुई 2 स्क्वाडन की डिलीवरी अगस्त 2026 तक होगी। रूस और भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 स्क्वाडन खरीदने के लिए एक डील पर साइन किए थे, जिनमें से 3 की सप्लाई पहले ही की जा चुकी है। नेवी के एक अधिकारी ने कहा कि इंडियन नेवी द्वारा सोमालिया के पास हाइजैक शिप पर पकड़े गए 35 सोमाली पायरेट को वापस लाएगा और उन पर मुकदमा चलाएगा। अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए पायरेट शनिवार को भारत पहुंचेंगे और उन्हें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को हैंडओवर किया जाएगा। L&T ने इंडियन नेवी द्वारा ऑर्डर किए गए एक नए ट्रेनिंग वेसल की कील बिछाने की सेरेमनी रखी गई। इस वेसल में 210 कैडेटों और 170 क्रू मेंबर्स की रहने की जगह बनाई जाएगी, जिनमें 60 फीमेल कैडेटों के लिए होगी। इसके अलावा एक ट्रेनिंग ब्रिज और 3 क्लासरूम होगी। यह 76 mm नेवल गन, 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम और सेल्फ डिफेंस के लिए 12.7 mm मशीन गन से भी लेस होगी। ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत लगातार 4th प्लेस पर मिलिट्री पावर के मामले में कायम है। वहीं चीन और रशिया 3rd और 2nd पर है और हमेशा की तरह US टॉप पे है। अगर सिर्फ सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 51,37,550 सैनिक है, जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक है। वहीं पाकिस्तान के पास मात्र 17,04,000 सैनिक है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ है और इंडिया कहाँ है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।